भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में 10 विकेट से अंतर से करारी हार का सामना करना पड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन का ही स्कोर खड़ा कर सकी। विराट कोहली और ऋषभ पंत के अलावा और कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। इस मुकाबले के बाद कप्तान विराट कोहली का गुस्सा फूट गया। विराट कोहली ने रोहित शर्मा को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो वाकई में हर किसी को हैरान कर गई। रोहित शर्मा को लेकर क्यों आखिर विराट कोहली आग बबूला हो गए और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। रोहित शर्मा का नाम सुनकर ही विराट कोहली आग बबूला हो गए और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। तो आइए जानते हैं आगे रोहित शर्मा के बारे में विराट कोहली ने क्या कहा इस मैच के बाद और भारत की हार की बड़ी वजह क्या बताई है। आखिर विराट कोहली ने किन खिलाड़ियों के ऊपर भारत की हार का ठीकरा फोड़ा, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके इंडिया के लिए सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो में तो आगे बढ़ेंगे ही और जानेंगे आखिर रोहित शर्मा को लेकर इतना बड़ा विवाद पैदा क्यों हो गया, नाम मात्र सुनते ही विराट कोहली आग बबूला क्यों हो गए। ये जानने से पहले आइए जानते हैं आखिर एम्पायरिंग पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं और क्यों बेईमानी के आरोप लग रहे हैं इस मुकाबले के दरमियान। एक ऐसी घटना हो गई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आइए पहले जानते हैं उस बेईमानी के बारे में और उसके बाद जानेंगे विराट कोहली ने रोहित को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है। जहां एक तरफा ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा बिना कोई रन बनाए आउट हो गए तो केएल राहुल महज 3 रन बनाकर शाहीन अफरीदी की गेंद पर बोल्ड का शिकार हुए। हालांकि अब लगता है केएल राहुल को आउट दिए जाने के बाद मैदानी एम्पायर से शायद एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। दरअसल ट्विटर पर क्रिकेट फैंस सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि केएल राहुल को एक 9 बॉल पर आउट दिया गया था। जिस गेंद पर राहुल बोल्ड हुए उसमें देखा जा सकता है कि गेंदबाज शाहीन अफरीदी का पैर क्रीज से थोड़ा आगे था। भारतीय टीम को राहुल से काफी उम्मीदें थी लेकिन एम्पायर की ये गलती राहुल के लिए नाइंसाफी साबित करती है। एम्पायर की इस बड़ी गलती की वजह से भारतीय टीम पर दबाव पड़ा। राहुल को एक 9 बॉल पर आउट दिए जाने बाद ट्विटर फैंस पर जमकर भड़के हुए हैं। क्रिकेट फैंस एम्पायर के ऊपर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस फोटो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये 9 बॉल थी या फिर क्लोज कॉल थी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक 9 बॉल लगती है क्योंकि कुछ तो हिस्सा लाइन पर होना चाहिए लेकिन इसमें ऐसा नहीं है और वाकई में इसे एक 9 बॉल दिया जा सकता था। पाकिस्तान की टीम ने भारत को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार 10 विकेट के बड़े अंतर से हराया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली। टीम इंडिया इस मैच में सच में कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों में बाजी मारती हुई नजर आई। इस मैच में भारतीय टीम की हार की नींव तो तभी रख दी गई जब बैट्समैन रोहित शर्मा पहली पारी में पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हुए। इसके तुरंत बाद केएल राहुल ने महज 3 रन देकर अपना विकेट गंवा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा और केएल राहुल शानदार बल्लेबाज हैं लेकिन उनकी बल्लेबाजी किस काम की जो इतने अहम मौके पर काम न आए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मुकाबला एक मैच से काफी आगे होता है और इसकी काफी ज्यादा अहमियत होती है। शर्मा को हिटमैन कहा जाता है और वो शानदार बल्लेबाज हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैचों में उनका रिकॉर्ड काफी खराब रहा है जो इस मैच में भी जारी रहा। मैच खत्म होने के बाद जब मीडिया के सवाल जवाब देने पहुंचे भारतीय कप्तान विराट कोहली तो कुछ उखड़े नजर आए। एक पत्रकार ने जब रोहित शर्मा से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने उनको ही उल्टा सवाल कर लिया। दरअसल टीवी चैनल ने पत्रकार से पूछा, ईशान ने वार्म अप मैचों में काफी अच्छा खेल दिखाया था, आपको नहीं लगता कि कुछ चीजों में वह रोहित शर्मा से बेहतर है? विराट सवाल पर एकदम भड़क से गए। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही बहादुरी वाला सवाल है, आपको क्या लगता है कि सर टीम कैसी होनी चाहिए थी? देखिए, जो टीम मुझे अच्छी लगी मैंने वो खिलाई, मैंने उसी के साथ आज का मुकाबला खेला। आपकी क्या राय है, क्या आप रोहित को T20 इंटरनेशनल मैच से बाहर कर देंगे? आप रोहित शर्मा को बाहर कर देंगे? क्या आपको पता भी है उन्होंने इससे पहले क्या किया है T20 मुकाबले में? एक आपको बताएं कमाल की बात क्या है कि जो हकीकत है और बाहर लोग क्या सोचते हैं। मेरी तो इच्छा थी कि काश वो लोग किट लेकर मैदान पर उतर कर देखते कि दबाव कैसा होता है। इस बात को स्वीकार करने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है कि विरोधी टीम ने हमसे बेहतर खेल दिखाया है।